मैं सर डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे ज़्यादा सोचने से पैरालिसिस के पेशेंट्स की रिकवरी कहीं ना कहीं रुक जाती है, डिले हो जाती है। नाउ व्हाट हैपेंस नॉर्मल लाइफ में अगर किसी को ये पता चलता है कि हाँ उन्हें पैरालिसिस का अटैक आ चुका है या फिर उन्हें लकवे की बीमारी हो चुकी है, तो सबसे पहला जो कंसर्न हमारे माइंड में आता है, सबसे पहला जो थॉट प्रोसेस हमारा होता है, वो यही होता है कि अब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो पैरालिसिस के पेशेंट्स को हमेशा हॉन्ट करती है कि अब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, अब हम अपने काम खुद से नहीं कर पाएंगे, हमें किसी के हेल्प की ज़रूरत है, हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन एक्चुअली में ये सच भी है कहीं ना कहीं, और हमें सही में सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है मेंटली, इकोनॉमिकली, या फिर आप कह दो कोई भी एक्टिविटी अगर वो परफॉर्म करते हैं, नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए भी हमें उनकी हेल्प करनी पड़ती है। अब होता क्या है, जब भी पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं, नाउ व्हाट हैपन, पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं वो या तो बैठे हुए होंगे या फिर लेटे हुए होंगे। इनिशियल स्टेजेस में तो लेटे हुए होते हैं, बैठना और उठ के चलना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो वो सोचते हैं कि हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कैसे कर पाएंगे, हम अपने काम, खुद के काम जो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं वी ऑल नो कि पैरालिसिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि बहुत बड़ा एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और रिकवरी में बहुत टाइम भी लगता है, क्योंकि हमें इसके रिजल्ट्स और रिकवरी ग्रेजुअली मिलती है। हम ये नहीं कि एकदम से हमने मेडिसिंस ली हैं तो हमें एकदम से रिजल्ट मिल जाएगा, या फिर हम एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो पेशेंट्स के माइंड में ये कहीं ना कहीं बार बार पोक करती रहती है सिचुएशन कि अब हम पता नहीं उठ पाएंगे या नहीं, या फिर हम अपने घर वालों पे एक बोझा तो नहीं बन गए हैं। एंड कितनी बार ये होता है कि घर वाले भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट कर देते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते कि हमारे किसी, अगर लाइक सपोज डैडी को हुआ है, ग्रैंडफादर को हुआ है, किसी को भी हुआ है, तो उन्हें ये लगता है कि नाउ दिस इज़ द पीक टाइम, दिस इज़ द हाई टाइम, अब हमें रोक देना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है रिकवरी शायद ही होगी, और वो अपना जो भी है, वेदर इट इज़ मेडिसिन, एक्सरसाइजेस, डाइट, वॉकिंग या फिर शिफ्टिंग, टर्निंग्स, सब कुछ वहीं रोक देते हैं और वो पेशेंट्स पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में समझाने का मेरा मोटिव यही है कि अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम को लेके सोचते रहोगे कि पैरालिसिस हो गया है, तो फिर उससे रिजल्ट्स और रिकवरी हमें कभी देखने को नहीं मिलेंगी। रेदर देन दिस, आपको ये सोचना है कि मुझे अपना पैरालिसिस जल्दी से जल्दी कैसे ठीक करना है, क्योंकि एज वी ऑल नो पैरालिसिस की जो इनिशियल रिकवरी होती है वो हार्डली 3 to 4 months में हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है, रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अर्ली फेजेस में ब्रेन अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी खुद से डेवलप कर लेता है और हमारी जो सेल्स हैं, जो हमारी ब्रेन सेल्स डैमेज हो चुके हैं, वो तो वी ऑल नो कहीं ना कहीं वापस नहीं मिल सकती, लेकिन जो बाकी की रिजनरेशन है वो होती रहती है। तो हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस आने की कोशिश करता है, तो हमें जो अर्ली रिकवरी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है और वो बहुत जल्दी मिलती है। तो आपको यही समझना है, चीज़ों को नेगेटिव वे में सोचने से अच्छा आप उन्हें पॉजिटिव वे में सोचो कि हमें कैसे ना कैसे अपनी रिकवरी जल्दी से करनी है, हमें अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस लेके आना है। आप ये सोचते हो कि घर वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि हम अपनी एक्टिविटीज़ खुद से परफॉर्म करके घर वालों की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम कर दें। अगर आप अपनी एक्टिविटीज़ खुद से परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट सोचते हैं कि हम एक बर्डन बन गए अपनी फैमिली के ऊपर, ये ना सोच के आप उनको ये बोलो कि मुझे जल्दी से उठाओ, मुझे चलाओ, तो आप उनसे सपोर्ट के एक्सपेक्टेशंस करोगे तो आपकी रिकवरी और रिजल्ट बहुत अच्छे से जल्दी मिलेंगे, रेदर देन आप हमेशा बेड पर लेटे हुए हो, आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप मेडिकेशंस टाइम पे नहीं ले रहे हो, आप कुछ हेल्दी खाना नहीं खा रहे हो, या फिर आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आप अपनी रिकवरी एनी हाउ कैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सोचने से अच्छा कि मैं एक बोझ बन गया हूँ, आप ये सोचो कि मैं एक फैमिली के ऊपर प्रेशर डाल डाल के उन्हें बार बार ये बोल के कि मुझे चलाओ, तो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ वापस आएंगी। एटलीस्ट जो आप चल नहीं पा रहे हो, जो आप उठ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिकवरी तो आपको देखने को मिलेगी। आपका वॉकिंग पैटर्न, आपका गेट पैटर्न, जो आप चल नहीं पा रहे हो, जो आपका पैर नहीं उठ पा रहा है, अगर मसल्स को एक्शन परफॉर्म करने को नहीं मिलेगा तो मसल्स खुद से एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी। तो आपको मसल्स को रीएजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप चीज़ों को नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ना सोच के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से सोचो कि आपको अपने रिजल्ट्स चाहिए, आपको अपनी रिकवरी चाहिए। आप ये मत सोचो कि मैं घर वालों के ऊपर बोझ बन चुका हूँ या फिर मैं उनकी एक जिम्मेदारी बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ। ये सोचने के बजाय आप ये सोचो कि मुझे अपनी एक्टिविटीज़ में वापस से इन्वॉल्व कैसे होना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका ब्रेन नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप अपने ब्रेन के ऊपर अननेसेसरी स्ट्रेस डाल रहे हो, तो अननेसेसरी स्ट्रेस की वजह से आपकी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा हैम्पर होती हैं।
आपका दिमाग ऑलरेडी अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप जब एक्स्ट्रा स्ट्रेस और एक्स्ट्रा डिप्रेशन में जाते हो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बैड और नेगेटिव रिजल्ट्स शो करती हैं। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आपको अपनी पॉजिटिव माइंड थॉट प्रोसेस से रहना है और आपको ये सोचना है कि मुझे अपनी रिकवरी जल्दी चाहिए, रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, ताकि मैं अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। और जो ये चीज़ें होती हैं कि हम फैमिली के ऊपर प्रेशर हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा बर्डन है, कहीं ना कहीं हम अपनी एक्टिविटीज़ खुद से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या फिर घर वाले परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का घर वाला कोई परेशान नहीं होता, कोई रिलेटिव्स परेशान नहीं होते, बस ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप ये सोचो कि हम अपने एंड से रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं। तो आप कैसे कम कर सकते हो, आप मेडिकेशंस टाइम से लो, आप अपने एक्सरसाइजेस परफॉर्म करो, हेल्दी डाइट लो और मोर एंड मोर वॉक करो। आई होप वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप और कुछ कंसल्टेशन चाहते हो या फिर कुछ पूछना चाहते हो या एक्सरसाइजेस के रिगार्डिंग वीडियो चाहते हो, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।